So here we are again. हमेशा की तरह अच्छे सवालात मिले हैं इस बार भी. Let's start very quickly. So Tania Jangra ने कहा कि sir, you have told that gravitational force attracts every object, but I have doubt that why not the lizard fall down while they are on the wall. Now मैं तुम्हें मतलब बता दूँ इसके. उन्होंने कहा है कि gravitational force जब attract करती है हर किसी को, तो जो छुपकली है जो हमारी छत पे चल रही होती है वो गिर क्यों नहीं जाती इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. हाउ एवर कि ये इतना अच्छा सवाल नहीं है, लेकिन मुझे ये सवाल पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम मिस कर देते हैं इन नॉर्मल सवालात करने में. तो मैं उन पॉइंट्स को जो है टैकल करूँगा. नंबर वन, ये कि जो हमारी अभी तक की नॉलेज है ना, वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही वीक फोर्स है, इंतहाई वीक फोर्स है कंपेयर टू अदर फोर्सेस जो ऑलरेडी मौजूद हैं. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. यूजली जब ये वाली बात की जाती है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ ग्रेविटी इज अ वेरी वीक फोर्स, तो लोग अचानक ही बोलना शुरू कर देते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है. तो लेट्स गिव इट एन एग्जाम्पल. तो आप एक काम करें, आप एक मैग्नेट लें और उसको ऊपर रखें और नीचे उसके एक आयरन का एक पीस रखें. आप नोटिस करेंगे एक मैग्नेट जो है वो इतना सा होने के बावजूद वो उस आयरन के पीस को अपने अपने साथ चिपका लेता है. इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद भी उस आयरन के पार्टिकल को रोक नहीं पाती उस छोटे से मैग्नेट के साथ में. इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेट है उसकी जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ताकतवर होती है कंपेयर टू ग्रेविटी. अर्थ को कितना बड़ा होना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अस, वो भी कितनी स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, विच इज वेरी लिटिल अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो. सो सेम प्रिंसिपल. और मैं तो हैरान हूँ कि आपने सिर्फ लिजर्ड की बात करी, आप मकड़ियों को देख लें वही होती है, चूंटों को देख लें आप वही होती है, कॉकरोचेस को देख लें वही चीज आपको नजर आती है. तो वही बात आ जाती है यहाँ पर कि वेट जो है उनका इतना इस काबिल नहीं होता कि वो उसको खींच सके, क्योंकि ग्रेविटी इटसेल्फ जो है वो बहुत वीक है. एंड जो छुपकलियाँ होती हैं इनके क्लॉज होते हैं वो दीवार से चिपक जाते हैं, और तो वो भी इनको एक एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. आप किसी भी जानवर को ले लें, आप स्पाइडर्स को ले लें और कॉकरोचेस वगैरह को ले लें, ये इनका वेट एक तो लाइट होता है नंबर वन, जिससे जिस पर ग्रेविटी कमी असर कर रही होती है. दूसरा ये चुपके हुए होते हैं, चुपके से मुराद देने के ये कि इनके जो क्लॉज होते हैं वो ये टेंटिकल्स होते हैं वो दीवार को छुपाए रखते हैं अपने साथ. बट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना था कि ग्रेविटी इज अ एक्सट्रीमली वीक फोर्स कंपेयर टू अदर फोर्सेज विच वी ऑलरेडी हैव. उनैस मुनव्वर ने सवाल किया, देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैव. नंबर वन, वट इज बिफोर बिग बैंग? आई मीन वी नो बिग बैंग अकर वेन अ प्राइम नेब्यूला अकर, वेरी मच एनर्जी अप टू इन्फिनिटी, बट what actually is before Big Bang and where that prime nebula in which the whole universe is packed at the point where this prime nebula came from. Okay, or and second question inka hai, can something create from nothing? If yes, then explain how. I'm not asking this question about religious point of view, I'm asking that what science say about it. They are very, very two important questions and it's the same part. But scientific point of view जानना चाह रहे हैं इस चीज़ का. सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले मैं ये कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले हमें कहा जाता है कि एक प्राइम नेबुला था जो जिसने पैक करके रखा था पूरी यूनिवर्स को, एंड उससे बिग बैंग हो गया. तो वो कैसे हुआ जबकि कुछ मौजूद नहीं था, उसको एक्सप्लेन करें. सेकेंड ये बात उन्होंने की है कि कुछ नहीं था जब सब कुछ भी नहीं था तो इतना सब कुछ कैसे बन गया, अगर हमारी कायनात कैसे बन गई, दुनिया कैसे बन गई वगैरह वगैरह. आई सपोज कि आप लॉरेंस क्राउस को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं एंड उनका ये बहुत अच्छा एक तरह से केस रहा है जो उन्होंने प्रेजेंट किया रिसेंटली पिछले 3-4 साल से. मैंने यानी कि लॉरेंस क्राउस के तकरीबन 8-9 लेक्चर्स देखे हैं और हर लेक्चर को तकरीबन 3-4 बार देखा है. इट वॉज हार्ड बट लेट्स आंसर इट. नंबर वन, बिग बैंग से पहले क्या था किसी को नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है. और आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए सेकेंड वाले सवाल से पहले. लॉरेंस क्राउस ने इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए तो जो चीज जो एक सेटअप इस्तेमाल किया ना उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. उन्होंने कहा कि जो नथिंग है
वो नथिंग नहीं होता, वो हर वक्त एक बबलिंग ब्रू ऑफ पार्टिकल्स होता है, जो कि मुसलसल पार्टिकल्स इन एंड आउट यानी कि पैदा हो रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं। इनको वर्चुअल पार्टिकल्स के उन्होंने नाम दिया है, और जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते भी हैं। इसकी हमारे पास बहुत ज्यादा मिसालें भी मौजूद हैं, मतलब हम इसको, हम इस इफेक्ट को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एटम का जब मास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सब कुछ मिला दिए जाए ठीक, तो एटम जो है वो मोस्टली खाली होता है, लेकिन स्टिल उसका मास होता है, वो भी सिर्फ इसी वर्चुअल पार्टिकल्स की वजह से आता है। तो जिसकी वजह से हमें अंदाजा होता है कि यस देर इज समथिंग गोइंग ऑन इन नथिंग, कुछ नथिंग में मौजूद है जो कि इन सबको पैदा कर सकता है। नाउ लॉरेंस क्राउस ने जो एक्सप्लेनेशन दी ना इसकी, वो ऐसी थी कि हर वक्त जब पार्टिकल्स बन रहे हैं और अब खत्म हो जाते हैं, बनते हैं खत्म हो जाते हैं, बनते हैं खत्म हो जाते हैं, तो अगर हम बहुत ज्यादा अरसे तक वेट करेंगे, अगेन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गई, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पार्टिकल्स एक बहुत बड़ी तादाद में बनेंगे, बहुत ही बड़ी तादाद में बनेंगे, जिसकी वजह से हमारी कायनात वगैरह वजूद में आ सकती है। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया उस वीडियो के अंदर किस तरीके से हो सकता है। सो आई होप कि आप उसको चेक कर सकते हैं, उनकी वीडियो को। मैं कोशिश करूंगा लिंक्स भी इसमें डाल दूं। अबाउट सेकंड क्वेश्चन के बिग बैंग से पहले क्या था, तो बिग बैंग से पहले किसी को नहीं पता कि क्या था, ये क्यों हो गया। लॉरेंस क्राउस का जो सेटअप है वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ नजर आता है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, एंड नथिंग जो है वो एक पूरा एक सेटअप है, वर्चुअल पार्टिकल्स का एक ब्रू है, और जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी कायनात जो है वो बन सकती है। यहाँ पे एक मैं बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूं कि फ्रैंक विलचेक एक बहुत ही कमाल के फिजिसिस्ट हैं, आई थिंक उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। उन्होंने लॉरेंस क्राउस से ही सवाल किया था कि ये जो अगर आप नथिंग को आप नथिंग लें फॉर एग्जाम्पल, उससे आप एक यूनिवर्स बना दें, उसके बावजूद भी आपने जो नथिंग की डेफिनेशन दी है कि बबलिंग ब्रू ऑफ पार्टिकल्स है, ये भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, इसको किसने बनाया, यू नो। और ऑनेस्टली लॉरेंस क्राउस के पास जवाब नहीं था इस चीज का कि नथिंग में जो ये बॉयलिंग एंड बबलिंग ब्रू ऑफ पार्टिकल्स है वो कैसे बन गया। I hope this answers the question, but again the concept is, सब समरी कर दूं तुम्हें, इसमें अभी तक सही तरीके से क्लियर पिक्चर मौजूद नहीं है और मोस्टली थ्योरीज ही हैं। मलिक हसनैन अली ने कहा, I have a question about speed. If the car is moving at the speed of 70 kilometers an hour and the person driving in the car is also moving at the 70 kilometers per hour as the driver is on the seat of the car, right? And a fly flying in the car without attaching that moving car, what is the speed of the fly? Speed of the fly is 70 km hour, but flying on a flying in air. Now, मैं थोड़ा सा explain कर दूँ इसको। उन्होंने कहा कि मैं 70 km per hour की speed से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार की speed जो 70 km per hour है, and मेरी speed भी 70 km per hour है, ठीक? और यहाँ पर एक क्या कहते हैं, मक्खी है जो कि उड़ रही है, तो अब सवाल ये है कि क्या वो मक्खी भी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रही है? यस ऑफ कोर्स, ऐसा ही हो रहा है। और उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो उड़ रही है, वो तो हवा में, वो तो गाड़ी से अटैच भी नहीं है, तो ऐसा कैसे है? मैं आपको इसकी दो चार एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक वो बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा। जब जहाज उड़ता है तो वो भी हवा में चला जाता है, लेकिन स्टिल वो दुनिया के साथ ही मूव कर रहा होता, कहीं बाहर नहीं जाता। तो अगर हम बात करें कि दुनिया जो है वो सन के गिर्द मूव कर रही है और जहाज की एक अपनी स्पीड भी है, तो वो दोनों स्पीड से मूव कर रहा होता है एक ही वक्त में। अगर यहाँ पर मक्खी चलना शुरू हो जाएगी तो जो मक्खी की स्पीड होगी उसमें 70 किलोमीटर आवर ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे भी थोड़ा सा तेज चल रही है। अगर रुकी हुई है यहाँ पर उड़ते हुए तो ठीक है, फिर तो उसकी 70 किलोमीटर आवर की स्पीड से होगी। अब आप सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लें इस बात को कि मक्खी की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, उससे ज्यादा चल ही नहीं सकती, तो फिर वो 70 कैसे उड़ रही थी, है ना? ये बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है यहाँ पे करने के लिए। द आंसर इज के जब मैं गाड़ी चलाता हूँ वो स्पीड ऑलरेडी उसके साथ ऐड हो जाती है, तो उसको मक्खी को इतनी स्पीड के लिए अटेन करने के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो मैंने उसको दे दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि दुनिया के साथ होता है, दुनिया हजारों किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन क्या मेरी एनर्जी खर्च हो रही है इसके अंदर? नहीं, क्योंकि मैं उस सिस्टम के अंदर हूँ,
जो सिस्टम के अंदर होगा तो मुझे नहीं पता चलेगा, मैं सिर्फ उस बात को फील करूंगा जो मुझ पर डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, जैसे कि 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रियल में अगर मैं सूरज से देखूंगा तो नजर आएगा नहीं, मेरी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ द अर्थ प्लस 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। आई थिंक आई होप दिस आंसर द क्वेश्चन। काशिफ अली जुनेद जो बहुत कंसिस्टेंट सवाल करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि सर हमारी ज़मीन पे टाइम अलग अलग क्यों चलता है, जैसे पाकिस्तान में 10 बज रहे हों सऊदी अरब में 8 बज रहे होंगे, ये क्यों होता है, प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करें। इसका आंसर जो है वो साइंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसका आंसर जो है वो मैं कहूँगा ज़्यादातर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हुआ ये कि जब वॉचेस बनना शुरू हो गई, घड़ियां बनना शुरू हुई, तो हर गांव ने हर शहर ने अपना अपना टाइम रखना शुरू कर दिया, अब मतलब रिलेट करके एक दूसरे से। लेकिन अगर एक इलाके में 8 बज रहे थे तो अगले इलाके में 8:05 हो रहे थे और उसके अगले इलाके में 8:10, क्योंकि ऐसे ही ग्रेजुअल होना चाहिए ना टाइम चेंज, जिसकी वजह से ट्रेन की टाइमिंग्स के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आई। अब हम अगर कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान से सऊदी आपकी एग्जांपल ली, तो आपको वहाँ पे लिखा आता है कि आप पाकिस्तानी टाइम इतने बजे उड़ेंगे और सऊदी में आप इतने टाइम पर वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन इतने सारे इलाके बन गए थे इसके, उसकी वजह से जो डेस्टिनेशन वाला टाइम है उसको कैलकुलेट करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन को किसी इलाके से स्टार्ट होना है 8 बजे, तो वो दूसरे इलाका वो समझ रहा है कि वहां पर 8 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं और वहां से ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी ऑलरेडी, तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला मामला रहा। तो फिर लोगों ने कहा यार ये नहीं चलेगा, अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से उन्होंने एक सेटअप निकाला, उन्होंने कहा हम खुद ही डिसाइड कर देंगे कि वहां पे एक जगह पे क्या टाइम चल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे 8 ही बज रहे हैं, इस मुल्क में पूरे 8 बज रहे हैं, इस मुल्क में पूरे 11 बज रहे हैं, इस मुल्क में जो है वो 10 बज रहे हैं। इसको उन्होंने फिर इसको कहते हैं ग्रीनिज मीन टाइम, उससे इसको सेट किया, एक जगह पे टाइम सेट किया, उससे सबको रिलेट कर दिया। तो इट्स नॉट अ मोर साइंटिफिक क्वेश्चन, इट्स मोर लाइक अ मैनेजमेंट क्वेश्चन। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप उम्मीद है कि आपको सवाल के जवाब अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरी YouTube की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रही है, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और पूरी वीडियोस देखा करें, और जितने भी सवालात हुआ करें ज़रूर सवालात किया करें, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको सवालात को शामिल करूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी ऑन YouTube।